एमपी के छिंदवाड़ा में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक ही परिवार के 8 लोगों की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी ने खुदकुशी कर ली। मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है आरोपी। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के थाना माहिलजर की ये पूरी घटना। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से ये दिल दहला देने वाली खबर, जहां पर एक ही परिवार के 8 लोगों की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई है और हत्या के बाद आरोपी ने खुद भी मौत को गले लगा लिया। मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है आरोपी। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र थाना माहुलजीर का ये पूरा मामला, जहां पर एक ही परिवार के 8 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। जो आरोपी है वो भी परिवार का ही सदस्य है। परिवार में बताया जा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। जो आरोपी है वो भी परिवार का सदस्य है। मानसिक रूप से ठीक नहीं था व्यक्ति, जिसकी वजह से पहले अपने ही परिवार के 8 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या की गई और फिर खुद भी खुदकुशी कर ली इस व्यक्ति ने। दिल दहला देने वाला ये मामला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से। 8 लोगों की, सोचिए, 8 लोगों की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी गई। कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट अपने ही परिवार के 8 लोगों को पहले उतारा गया और फिर खुद भी मौत को गले लगा लिया गया। अब इसके मुख्य कारण क्या रहे, ये पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। आस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जो और रिश्तेदार हैं, करीबी हैं, उनसे भी पता लगाने की कोशिशें हो रही हैं। बताया जा रहा है कि जो आरोपी था वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी और यही वजह कि उसने पहले अपने ही परिवार के 8 सदस्यों की हत्या की निर्मम तरीके से और फिर खुद भी खुदकुशी कर ली। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पता लगाने की हो रही है कोशिशें कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही, क्यों आखिर ऐसा कदम उठाया गया, क्या सब ठीक नहीं चल रहा था, क्या किसी के साथ कोई विवाद चल रहा था, कि आर्थिक तंगी इसके पीछे की वजह रही, गृह कलेश इसके पीछे की वजह रही, ये सब पुलिस पता लगाने में अब जुटी हुई है। आसपास के पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। 8 लोगों की हत्या, एक की तरफ से खुदकुशी की गई। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का ये पूरा मामला है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से ये खबर। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। फोन लाइन पर अफाक जुड़ गए मेरे साथ, हमारे संवाददाता। अफाक, वजह क्या रही इसके पीछे की, जिसने पहले 8 लोगों की हत्या की, क्या वो भी परिवार का ही सदस्य? अफाक, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, आपका आवाज मिल रही है मेरी जी। क्या पूरा मामला अफाक ये? देखिए, मैं आपको बताऊं कि छिंदवाड़ा के माहौलजे थाना अंतर्गत, ये छिंदवाड़ा की और होशंगाबाद की सीमा का आखिरी थाना क्षेत्र है। वहां पर एक गांव है जहां पर आधी रात 2:30 से 3 बजे के बीच में एक युवक ने अपनी घर के 8 सदस्यों की मौत कर दी, उनकी हत्या कर दी, उनको मौत के घाट उतार दिया। सबसे पहले इस युवक ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार किया, उसकी जान ले ली। फिर उसके बाद जो है अपनी माता पर, अपने भाई, उसकी पत्नी, उसकी बहन, और देखिए इसमें सबसे दर्दनाक बात यह है कि इसमें 3 छोटे छोटे बच्चों पर भी उसने कुल्हाड़ी से वार किया और उनकी जान चली गई, जिसमें एक बच्चा बताया जा रहा है जो कि तकरीबन 1.5 साल का है। 21 मई को इस युवक की शादी हुई थी और जब हमने पुलिस से बात की है तो पुलिस के आला अधिकारियों का ये बताना है कि ये युवक जो है वो मानसिक रूप से थोड़ा विक्षिप्त था, जिसका इलाज भी चल रहा था, और तकरीबन 1 साल पहले भी कोई घटना हुई थी छोटी मोटी, जिसके बाद से उसका इलाज कराया जा रहा था और रात्रि इसने इस बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। फिर इस युवक ने जो है उसके पड़ोस में एक जो है परिवार रहता है, जो उनके बड़े पिताजी का परिवार है, उस घर पे जाकर भी अपने भाई पर हमला किया जो कि उसके ताया का बेटा था। जिस हमले में उसने अपने आप को जैसे जैसे बचाव किया और जो है अपनी जान बचाकर भागा, जिसके बाद ग्रामीण वासियों को ये पता चला कि एक बड़ी घटना को इसने जो है वो अंजाम दे दिया है। फिर ये युवक जो है वो जंगल की ओर भाग गया। चलिए, ठीक है, पुलिस को सूचना। शुक्रिया आपका आफाक, इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए।